इस वीडियो को देखिए, यहाँ पर जो आपको चमकती चीजें दिख रही हैं वो रॉकेट्स हैं जो कि गाजा स्ट्रिप से इसराइल के रेजिडेंशियल एरिया में छोड़े गए। हवा में नष्ट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इसराइल आयरन डोम एरियल डिफेंस टेक्नोलॉजी यूज करता है। ये टेक्नोलॉजी इसराइल 2007 से यूज कर रहा है जब गाजा स्ट्रिप और जॉर्डन की तरफ से उस पर रॉकेट से हमले होते रहे। सवाल उठता है कि आखिर इतने हमले इसराइल पर होते क्यों हैं और रिसेंटली ये कॉन्फ्लिक्ट चर्चा में क्यों है। थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन लेना होगा। 1918 में चलते हैं, ऑटोमन एम्पायर फॉल हुआ था, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई थी और इसराइल के आसपास का एरिया ब्रिटेन और फ्रांस के कब्जे में था। इसराइल वाली जमीन पर ब्रिटेन ने ज्यूज को आने की परमिशन दी, मगर धीरे धीरे उन्हें पता चला कि ज्यूज और अरब्स के बीच में लड़ाइयां हो रही थी, तो 1936 में ब्रिटेन ने पील कमीशन बनाया। इनका काम था कि पता करो ये लड़ाइयां क्यों हो रही हैं। इन्होंने बताया कि ये जो जमीन है वो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की है इस्लाम और ज्यूज दोनों रिलीजन के लिए, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर लड़ाइयाँ कर रहे हैं क्योंकि वो लोग इस जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इस बात को लेकर पील कमीशन ने सजेस्ट करा कि टू स्टेट थ्योरी बनाई जाए, 80% हिस्सा अरब को दे दिया जाए जो पैलेस्टीन्स हैं वहाँ पर और बाकी हिस्सा ज्यूज को दे दिया जाए। बट ये प्रपोजल अरब कंट्रीज ने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम पूरी जमीन पर कब्जा करेंगे। 1940s का समय आया जब यूरोप में एक हॉलोकॉस्ट हुआ और भी ज्यूज को वापस विस्थापित होना पड़ा, तो उन्होंने अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की जगह पर जाना उचित समझा। फिर 1947 का समय आया, एक बार यूएन ने फिर से कहा कि चलिए एक बार रीड्रॉ करते हैं लाइन को, यहाँ पर हम तीन टुकड़े करते हैं, कुछ हिस्सा हम पैलेस्टाइन को दे देंगे जो पैलेस्टीन लोग वहां रहते हैं, बाकी हिस्सा ज्यूज को दे देंगे और जो यरूशलम जो सिटी है वो हम इंटरनेशनल सिटी रखेंगे क्योंकि वहां पर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, बाकी लोग भी जा सकते हैं। बट ये प्रपोजल भी अरब कंट्रीज ने बिल्कुल मना कर दिया। 1948-49 में जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, इराक, इन सब ने मिलकर इसराइल पर अटैक करा और ये वॉर इसराइल से ये लोग हार गए। बट इस वॉर के बाद कुछ बदल गया। जो यूएन ने नेशन ने मैप बनाया था उसमें कुछ चेंजेस आए, जो गाजा स्ट्रिप का एरिया था वो इजिप्ट के कंट्रोल में आ गया और जो वेस्ट बैंक का आप नाम सुनते हैं वो आप यहां पर सुनेंगे क्योंकि जॉर्डन रिवर के जो वेस्ट का इलाका था वो जॉर्डन ने अपने कब्जे में कर लिया और जो बाकी एरिया था वहां पर इसराइल धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने लगा, अपना एक्सपेंशन करने लगा। मगर अभी भी अरब नेशंस खुश नहीं थे। एक बार फिर से बिल्कुल सिमिलर वॉर हुई 1967 में, इसे वॉर ऑफ 6 डेज कहा जाता है। ये वॉर सिर्फ 6 दिन चली और इस वॉर में अरब कंट्रीज को इजराइल ने बुरी तरह से हराया और ना सिर्फ हराया बल्कि अपना एक्सपेंशन करा, जो कि सीरिया की गोलान हाइट थी, जो वेस्ट बैंक था, जो गाजा था, जो कि सिनाई पेनिनसुला था पूरा इजिप्ट का, सब पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अब ये सिनाई पेनिनसुला दरअसल स्वेज नहर तक जाता था, तो स्वेज नहर के एक तरफ इजराइल आ गया और दूसरी तरफ इजिप्ट था, तो ये नहर उस समय के लिए ब्लॉक कर दी गई थी। अब ये वॉर तो सिर्फ 6 दिन चली बट कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चला, तो नहर तकरीबन 8 सालों तक के लिए ब्लॉक थी और उस समय एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट वहां पर 15 शिप थे जो बताते हैं अगले 8 सालों तक वहीं पर फंसे रहे। तो उसमें जो लोग रहते थे उन्होंने वहीं पे खाना वाना अपनी पूरी जिंदगी वहीं चलानी शुरू कर दी थी। खैर ऑफ द ट्रैक नहीं जाते, 1960s का जो टाइम था उस समय पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये दरअसल उस समय तक पैलेस्टीनियन जो मूवमेंट था वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो गया था इस पूरे एरिया में। इसके बाद 1978 में कैम्प डेविड में यूएस के प्रेसिडेंट ने एक डील ब्रोकर करी इसराइल के प्रेसिडेंट और इजिप्ट के प्रेसिडेंट के बीच में। कैम्प डेविड एक जगह है जहां पर यूएस के प्रेसिडेंट को जब गांव की फील लेनी होती है तब वो जाते थे। अच्छा, तो इस डील में कहा गया कि इजिप्ट इसराइल को एज ए कंट्री रिकग्नाइज करेगा क्योंकि इससे पहले कोई भी अरब नेशन इसराइल को एज ए कंट्री मानने पर ही तैयार नहीं थे। खैर दूसरा ये कहा गया कि इसराइल ने जो अपनी पूरी फोर्सेस स्वेज नहर तक बढ़ा ली है वो वापस खींचेगा, जो पहले लाइन थी वहां पर जाएगा और ये सब कुछ होने में अगले 1-2 साल लगे। 1982 में ये हुआ। अच्छा, ये तो बात हुई इसराइल के बाहर क्या हो रहा था, अब देखते हैं इसराइल के अंदर क्या चल रहा था 67 से 82 के बीच में। देखिए 67 से पहले हम देखते थे कि 2 मैप होंगे, कहीं पर इसराइली रहेंगे कहीं पर पैलेस्टीनियंस रहेंगे। अब वो चीजें बदलने लगी, जो इसराइली थे वो ज्यूज जो थे वो धीरे धीरे वेस्ट बैंक और गाजा में जाकर रहने लगे। इन्हें सेटलर्स कहा गया, अब कहने को सेटलर थे बट इन्होंने प्रॉपर वहां पर अपनी कम्युनिटी सेंटर्स, अपने घर, अपने स्कूल सब बनाने शुरू कर दिए। इनिशियली ये प्रोसेस बड़ा नेचुरल था, खुद लोग कर रहे थे, बट बाद में गवर्नमेंट ने इसे प्रमोट करा, इजरायली सरकार ने इनके लिए अलग से रास्ते बनाए वहां पर और इन्हें वहां पर सस्ते दामों में घर मिल रहे थे, तो और ज्यादा ये चीज होने लगी। इसके पीछे का मकसद साफ था। देखिए पहले ये कॉन्वर्सेशन होती थी कि हम इसराइल के 2 पार्ट कर सकते हैं, 2 स्टेट थ्योरी बन जाएगी, एक जगह पैलेस्टीनियंस रहेंगे एक जगह इजरायली। बट अगर इसराइली पैलेस्टीनियन डोमिनेटेड इलाके में जाके रहने लगे तो ये 2 स्टेट थ्योरी बनाना और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाएगा, जैसा कि अभी लगभग हो चुका है। अभी तक हमने देखा 82 में इजिप्ट ने इसराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करा,
अब देखते हैं 87 में क्या हुआ। 87 में दो बहुत बड़ी चीजें हुई। पहला इंतिफाद 1 ब्रेकआउट हुआ। इंतिफाद 1 का मतलब था मिलिटेंसी, एक आम रिबेलियन टाइप का जो कि इसराइल के अलग अलग एरिया में हुआ और इसमें काफ़ी ज़्यादा जाने भी गई। और इसके साथ ही 87 में हमास का फॉर्मेशन हुआ। अब हमास को कई लोग पॉलिटिकल ग्रुप बोलते हैं, कई लोग मिलिटेंट बोलते हैं, कई लोग टेररिस्ट बोलते हैं, अपना अपना व्यू पॉइंट है सबका। बट हमास का व्यू पॉइंट ये था कि जो PLO है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो इसराइल पे बहुत सॉफ्ट है, हमें थोड़ा अलग तरीका अपनाना होगा। 87 में हमास फॉर्म हुआ और उसके बाद से ही वायलेंस बढ़ने लगी। फिर आया 1993 में हमने वेस्ट बैंक के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ देखी जिसका नाम था ऑस्लो एकॉर्ड। देखिए, अभी तक आप बात करते थे कि जो वेस्ट बैंक, जो जॉर्डन पहले कंट्रोल करता था, वहाँ पर फिर पैलेस्टीनियंस रहते थे। फिर जब इसराइल ने कंट्रोल करा तो कई सारे ज्यूज़ वहाँ पर जाने लगे, ज्यूज़ सेटलर जिन्हें बोलते थे। अब इन्होंने कहा कि वेस्ट बैंक को हम तीन हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा होगा जो कि पूरी तरह से पैलेस्टीनियंस कंट्रोल करेंगे, उनकी अपनी सरकार होगी और उनका ही अपना आर्म फोर्स होगा जो कि वो सिक्योरिटी भी देखेगा। तो ये कहा गया पार्ट ए। ये बहुत बड़ा चेंज था क्योंकि अभी तक पैलेस्टीनियंस के लिए कोई ऐसी सरकार या कोई ऐसा अपनी प्रोटेक्शन के लिए आर्मी वगैरह की परमिशन नहीं थी। दूसरा हिस्सा कहा गया पार्ट बी। यहाँ पर पैलेस्टीनियन सरकार तो होगी मगर जो सिक्योरिटी है वो इसराइल की होगी, मतलब इसराइल अपनी फोर्स लगाएगा। और तीसरा कहा गया पार्ट सी। पार्ट सी में इसराइल अपनी फोर्स भी लगाएगा और उस एरिया को गवर्न भी करेगा और कंट्रोल भी करेगा। तो वेस्ट बैंक ऑस्लो अकॉर्ड के बाद से इन तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गया। बच्चों की अभी हमास फॉर्म हो चुका था 87 में, इसलिए 1993 का ये ऑस्लो अकॉर्ड उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और वायलेंस बढ़ने लगी। इसके 7 साल बाद इंतिफाद 2 हुआ। इंतिफाद 2 2000 से 2005 के बीच में चला और इंतिफाद 2 जहां पर हुआ था उस मस्जिद का नाम है अल अक्सा मस्जिद, जिसका अभी भी आपने बहुत जिक्र सुना होगा और उस पर आएंगे कि रिसेंटली इसका क्या सिग्निफिकेंस है। बट 2000 से 2005 के बीच में इंतिफाद 2 जो हुआ वो इंतिफाद 1 से और ज़्यादा वायलेंट था। और 2005 में एक बड़ा चेंज हुआ। 2005 में इसराइल की उस समय की सरकार ने कहा कि जो भी सेटलर्स हमारे गाजा स्ट्रिप में रहते हैं और वहाँ पर जो हमारी फोर्सेज हैं, हम उन्हें वापस बुला रहे हैं। और इसके बाद से ये जो गाजा स्ट्रिप का पूरा एरिया है वो हमास के टोटल कंट्रोल में आ गया। तो अभी तक आपने देखा पूरी पिक्चर में कि दो एरिया थे, गाजा स्ट्रिप और दूसरा वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में हमने देखा ABC एरियाज बन गए और गाजा स्ट्रिप में अब पूरा हमास नियंत्रण कर रहा है, जिसके पास मिलिट्री पावर है, जो बहुत ज़्यादा वायलेंट है और जो बिल्कुल अलग तरह से रूल करना चाहता है। और अभी अगर आप सुनते हैं गाजा स्ट्रिप, हमास और वेस्ट बैंक, तो आई थिंक आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं करंट वाला कॉन्फ्लिक्ट। अब जो मैंने आपको हिस्ट्री सिखाई है उससे कुछ रेफरेंसेस लूंगा। देखिए, 48 में आपको याद है जॉर्डन ने अटैक करा था, जब कहा गया था कि वेस्टर्न एरिया जो था जॉर्डन रिवर का, उसे वेस्ट बैंक कह दिया गया। उसी समय जो यरूशलेम सिटी है का ईस्टर्न पार्ट भी जॉर्डन ने कंट्रोल कर लिया था और वेस्टर्न पार्ट पे इसराइल का कंट्रोल था। बट 67 की लड़ाई के बाद में ईस्टर्न पार्ट को भी इसराइल ने कंट्रोल कर लिया। ऑल्दो इंटरनेशनल लोग कहते हैं कि ये इलीगल कंट्रोल है, बट जो भी है इसराइल अभी वहां पर कंट्रोल करता है। और इसराइल ने कहा अपने ज्यूज पॉपुलेशन से कि 1948 से पहले अगर आपके यहां पर घर थे और आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आपके यहां पर घर थे, तो वहां पर अभी कोई भी रहता है उन्हें हटना होगा, केस चलेगा और प्रॉपर केस के थ्रू अगर आप प्रूव कर सकें तो वो जगह आपको वापस मिल जाएगी। और यही कुछ चल रहा है शेख जारा नाम की जगह पर, जो कि ईस्टर्न जेरूसलम में आता है। यहाँ पर कुछ पैलेस्टीनियंस हैं जिनके घर हैं और वो कहते हैं कि 1948 का जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब जॉर्डन ने एरिया कंट्रोल करा, तो वो उस घर में बस गए थे, बट उसके पहले वो घर ज्यूस को बिलोंग करते थे। तो कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पैलेस्टीनियंस रहते हैं उन्हें शायद अपनी जगह से विस्थापित होना पड़ेगा। अभी जो केस चलेगा उसमें जो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। इसके अलावा रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने के लिए आप मान सकते हैं अल अक्सा मॉस्क में जो कुछ हुआ। दरअसल जेरूसलम में ही अल अक्सा मॉस्क है, जिसे इंग्लिश में कहें तो द फार्देस्ट मॉस्क कहा जाता है। इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे होली प्लेस है और फार्देस्ट मॉस्क इसलिए कहते हैं क्योंकि बताते हैं प्रॉफिट मोहम्मद यहाँ पर चल कर गए थे और उसके बाद वो वहां से हेवन गए। अच्छा, इसी कंपाउंड में ही टेंपल माउंट भी है, जो कि ज्यूज के लिए बड़ी होली प्लेस है। आपने देखा होगा एक वेलिंग वॉल है वहां पर जो सब लोग जाकर टच करते हैं, ये वॉल भी इसी कंपाउंड में बनी हुई है। चूंकि इस पूरे एरिया को इसराइल कंट्रोल करता है, तो 12 अप्रैल को दमस्कस गेट प्लाजा पर इसराइल ने कुछ लिमिटेशन लगाई लोगों के बैठने पर। यहां पर रमजान के समय बहुत भीड़ होती है। सिमिलरली 16 अप्रैल को इसराइल ने कंट्रोल करा कि अल अक्सा मॉस्क में सिर्फ 10,000 लोग एक दिन में
प्रेयर करेंगे। इसकी वजह से हजारों जो फिलिस्तीनियंस वहां पर आए थे उन्हें वापस लौटना पड़ा। धीरे धीरे चीजें ट्रिगर होती रहीं। फिर 10 मई को इजराइल वहां पर जेरूसलम डे मनाता है। उस सेलिब्रेशन वाले दिन और ज्यादा क्लैशेस बढ़ने लगे, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा जुलूस निकलता है सारे ज्यूज का, और उन क्लैशेस के बढ़ने के साथ साथ जो गाजा स्ट्रिप है जहां पर हमास है उसने रॉकेट छोड़ने शुरू कर दिए रेजिडेंशियल एरिया में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाए थे वीडियोस। और पिछले 10 11 12 मई से लगातार पूरी वायलेंस वहां पर चल रही है, वीडियोस आ रहे हैं, फोटोज आ रहे हैं, और ये दोनों तरफ से अटैक्स हो रहे हैं। इसराइल ने भी वापस रिटेलिएट करा है गाजा पर, और इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में जो कि इतने लंबे समय से चला आ रहा है एक बहुत बड़ा वायलेंस एक बार फिर से हुआ है जो कि पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ था। अब इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के सोल्यूशन तो पहले यही थे कि दो स्टेट बना दिए जाएं, एक इसराइल का और एक पैलेस्टाइन का, बट धीरे धीरे अब लग रहा है कि वो नियर टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो अब एक स्टेट की बात चल रही है जो कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि पॉसिबल है कि पूरे की पूरे एरिया को इसराइल कहा जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि पैलेस्टाइनियंस जो है वो लगातार लड़ाई कर रहे हैं, तो ये करने से और ज्यादा वायलेंस बढ़ेगी। तो अब इसका क्या होता है सोल्यूशन, ये तो देखने वाली बात होगी। बट कई सारे लोग कुछ कुछ पॉइंट्स रखते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि इसराइलियों को तो यूरोप से बाहर निकलना पड़ा था, उन्हें यहाँ पर जगह दी गई और उन्होंने इस जगह को पूरा कंट्रोल कर लिया और यहाँ के लोगों पर ही अत्याचार किया। मुझे लगता है ये व्यू पॉइंट थोड़ा सा नैरो है, क्योंकि जब इसराइली यहाँ पर आए थे तब उस समय ब्रिटेन का यहाँ पर शासन था, तो ब्रिटेन और इसराइलियों के बीच में जो की बात हुई, जो भी ज्यूज के बीच में बात हुई, वो तो उस समय की बात थी। जब एक बारी वो सेटल हो गए उसके बाद लगातार अरब की कंट्रीज ने उन पर लगातार अटैक करे हैं। एक दो तीन बार ये भी बातें चली कि भाई दो स्टेट बना लेते हैं आप, 80% जगह रख लो, 20% जगह ज्यूस को दे दो, बट उस पर भी अरब नेशंस राजी नहीं थे क्योंकि वो सोचते थे कि हम अटैक करके जीत लेंगे। अब वो नहीं जीत पाए, तो इसराइल वॉन ऑल द वॉर्स फेयर एंड स्क्वायर, तो फिर उस हिसाब से तो इसराइल को कंट्रोल करने का पूरा हक मिलना चाहिए। और कई लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई, पैलेस्टीनियंस की ये जगह है, पहले से वो यहाँ पर रह रहे थे, कोई बाहर से आकर अगर आएगा और फिर अटैक करेगा तो फिर हम उसे क्यों रहने दें। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, और ये कॉम्प्लिकेटेड ऐसे भी है कि यरूशलेम को सिटी ऑफ पीस कहते हैं बट वहां पर पीस नहीं है। जो अलक्सा मॉस्क है, इतनी पवित्र जगह कहते हैं, वहां पर इंतिफाद 2 शुरू हुआ था जहां पर खूब वायलेंस हुई, और जब प्रे फॉर गाजा आप लोग लिखते हैं वहां पर हमास बैठकर रॉकेट छोड़ रहा है सिविलियंस के ऊपर, रेजिडेंशियल एरिया में रॉकेट छोड़ रहा है लोगों को मारने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये इशू बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसका कोई सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। बट फॉर द रेफरेंस ऑफ ऑल द पीपल एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि इसराइल का जो पूरा एरिया है वो अपने आप मिजोरम या सिक्किम जितना छोटी सी जगह है, और उस पूरी छोटी सी जगह में वेस्ट बैंक भी है, गाजा स्ट्रिप भी है, इतनी लड़ाइयां होती हैं। तो आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि क्या सिचुएशन वहां पर रहती होगी। खैर, मेरा पर्पस ये था कि मैं आपको एक स्टोरी की फॉर्म में पूरी चीज़ें समझा सकूं। होपफुली मैंने आपको समझाई होंगी। अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो गई तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।